क्लास सिक्स साइंस चैप्टर वन फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। अब सबसे पहले क्वेश्चन तो हमारा यही अराइज होता है कि फूड एक्चुअल में होता क्या है। देखो फूड क्या होता है कि ना वो सब्सटेंस होता है जो कि क्या हम डेली खाते हैं एंड उससे क्या मिलती है हमें एनर्जी मिलती है। अब अ सब्सटेंस विच इज़ इटन डेली टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। अब एनर्जी कैसे मिलती है, जैसे कि आप कुछ भी खाते हो, वेदर यू आर ईटिंग अ राइस और अ चपाती और अ दाल, तो आप ये सब जो फूड आइटम्स खा के आपको जो एनर्जी मिलती है उसी से क्या कर पाते हो, आप कुछ एक्टिविटीज़ कर पाते हो। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फूड क्या होगी, फर्स्ट इट हेल्प्स अस टू परफॉर्म आवर डेली एक्टिविटीज़। हमें कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, तो वो हम तभी कर पाएंगे जब हम किसी फूड को खा पाएंगे। तो सेकंड पॉइंट हमारा वही है कि इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, हमें बॉडी को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अब आपकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी क्या चाहिए, आपको फूड की ज़रूरत पड़ती है। इनिशियली व्हेन यू आर बॉर्न आपको क्या, योर मिल्क इज़ द ओनली सोर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ योर बॉडी। नाउ जैसे जैसे आप ग्रोथ, जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो, यू नीड डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड इन योर डाइट। आप देखते हो कि आपकी डाइट में बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ फूड आइटम्स होते हैं जिससे क्या मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है, एंड वो एनर्जी क्या करती है, आपकी ग्रोथ और आपके डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। फोर्थ पॉइंट है, इट विल कीप अस हेल्दी, और हमें तंदुरुस्त भी कौन रखता है, ये फूड आइटम्स हम जो खाते हैं वो उससे क्या होते हैं, हम फिट रहते हैं, इवन हम हेल्दी भी रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस जर्म एंड इन्फेक्शन दैट अफेक्ट आवर बॉडी। अब हम आपको पता है कि आपको कोई भी अगर इंसेक्ट, किसी ने भी इंसेक्ट ने खाया या मॉस्किटो ने खाया, वो तो सेम थिंग, अगर उसने कोई खाया आपने, उसने आपको खाया, देन वॉट हैपन्स कि आपको उससे बचाने में कौन हेल्प करेगा, जब आप अच्छा खासा खाना पीना करोगे देन क्या होंगे, यू विल बिकम हेल्दी, एंड अ इंसेक्ट कैनॉट बाइट एंड मेक यू इन्फेक्टेड। तो उससे बचाने के लिए भी हमें कौन मदद करता है, फूड मदद करता है। अब हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड के बारे में तो समझ लिया, नेक्स्ट हम लेते हैं कि अब डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड क्या होती है। आपकी डाइट में आप देखते हो कि आप बहुत अलग अलग वेराइटीज़ के फूड खाते हो। सपोज आपने आज राइस खाई, या आपने दाल खाया, या आपने इडली खाया, या आपने कोई और फूड आइटम खाया, तो वो सब आप कैसे समझोगे वो हम देखते हैं आगे। वेराइटी ऑफ फूड, वेराइटी ऑफ फूड को समझने के लिए आई एम मेकिंग सम क्वेश्चंस। सो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस डाल रखे हैं। फर्स्ट है, व्हाट विल यू हैव टुडे इन फूड। अब आप खाने में आज सपोज आपने क्या खाया है, सपोज आज ना मैंने दाल एंड राइस खाई है, ठीक है, तो ये मेरा आज का फूड था। अब मैं एक सेकेंड क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछती हूँ कि व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे। अब आपने यस्टरडे क्या खाया, सपोज कल मैंने मे बी मैंने एक वेजिटेबल खाया, वेजिटेबल एंड या मैंने कोई रोटी सब्जी खाई सपोज, ठीक है, तो वो मेरा फूड क्या है, डिफरेंट हो गया, मैंने कल कुछ और खाया था एंड मैंने आज कुछ और खाया है। सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, डिड योर फ्रेंड्स ईट द सेम फूड यू हैव टेकन। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने वही फूड लिया है जो आपके फ्रेंड ने लिया है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। आपके फ्रेंड ने क्या पता कोई डिफरेंट फूड आइटम, क्या पता आपके फ्रेंड ने कुछ और डिफरेंट फूड आइटम खाया हो, जैसे कि मे बी उसने कुछ इडली खाया हो या उसने कुछ और फूड आइटम खाया हो। सो आपको एक चीज़ समझ यहाँ पे आती है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के फूड खाते हैं, तो उससे क्या होती है, हमें वही क्या, वही वेराइटी, वही डिफरेंट वर्ड इट्सेल्फ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ द वेराइटी ऑफ फूड। सो द डेफिनेशन इज़ वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड अवेलेबल विथ अस। सो वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ही क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं वेराइटी ऑफ फूड को।